मेरा फेवरेट थियरी ये है कि जूनियर एनटीआर आपके भाई है जो जो अभी वॉर टू में आपका बदला लेंगे। आतिश रहमान को कड़ी टक्कर कौन दे सकता है स्पाई यूनिवर्स कोई में? नहीं कोई नहीं। आवारा पंथ का सीक्वल जन्नत्री, राजा नटवरलाल 2, मर्डर 4, लिस्ट इज गोइंग ऑन। आई कीप गेटिंग दिस आल्सो, या आई कीप गेटिंग दिस ऑन सोशल मीडिया। वुड लव टू डू आवारापन सीक्वल, वुड लव टू डू जन्नत सीक्वल। मर्डर का कब सीक्वल आने वाला? मर्डर के किसका सीक्वल कब आने वाला? यार मुझे उस वजह से नहीं रखना है सीक्वल। हाय इमरान, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? कैसे हो आप? कैसे हो? बस बस चल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फिल्म, मतलब सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, मतलब मैं गिन भी नहीं सकता। बिगेस्ट दिवाली ग्रॉसिंग फिल्म यार, ये मंडे, इन सब चीजों का मैं कुछ टाइप नहीं रखता हूँ, बट इफ यू आर सेइंग इट आई विल टेक इट। बट हाँ, एक अनकन्वेंशनल रिलीज डेट थी और लोगों को पसंद आ रही है फिल्म। आई थिंक वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी बॉक्स ऑफिस नंबर कहाँ जाके रुकता है वो उसे नहीं फर्क पड़ता, मतलब लोग एंजॉय कर रहे हैं। या दे एंजॉयिंग एंड लाइकिंग व्हाट वी हैव सेट आउट, यू नो व्हाट वी प्लान टू डू एंड व्हाट वी प्रेजेंटेड टू देम, वो बड़ा अच्छा है। और मैं दिल से बोलना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत साल बाद एक एंटी हीरो प्ले कर रहे हो। यू नो एक जन्नत एक था एंड देन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, मजा आ गया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि गेटी में गया था, अच्छा, और वहां पे जो क्रेज था, हाँ वहां पर तो एक प्रॉपर रिएक्शन मिलता है फिल्मों का। एंड यू नो गेटी में जाके काफ़ी अरसे हो गए, बट यू नो मैंने एक्चुअली परसों ही किसी से कहा था कि अगर कोई भी फिल्म जाके, यू नो यही फिल्म एक फिल्म है जहाँ पे गेटी में जाके आपको इसका असली मज़ा आएगा। एंड द हूटिंग एंड या आई एम श्योर बीन फन। और आप स्पाई यूनिवर्स फॉलो कर रहे थे स्टार्टिंग से? हाँ, आई हैव बीन लाइक थ्रू द इयर्स आई हैव बीन वॉचिंग द फिल्म्स, यस। एक्सेप्ट फॉर टाइगर 3, आपकी फेवरेट स्पाई यूनिवर्स फिल्म कौन सी है? आई थिंक आई लाइक द फर्स्ट टाइगर, वो बड़ी अच्छी थी। आई लाइक वॉ। आतिश रहमान को कड़ी टक्कर कौन दे सकता है स्पाई यूनिवर्स? कोई नहीं, कोई नहीं। क्योंकि वो अनयूजुअल किस्म का एक बंदा है ना, वो दिमाग से खेलता है। वो ही इज नॉट दैट टिपिकल ऑल ब्रॉन, वैसा नहीं है, लेकिन वो दिमागी तौर पे ही प्लेज इट ऑलमोस्ट लाइक अ गेम ऑफ चेस। ही ब्रेक्स द एनिमीज विद दैट सुपर पावर ऑफ हिज, दैट इज व्हाई सो डेंजरस। जब हमने कल बोला कि हम लोग इमरान का इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, कमेंट्स आए, तो मैंने टॉप 3 सेलेक्ट किए। अच्छा। जो मुझे पर्सनली अच्छे लगे। इन अकाउंट का नाम है इमरान हॉलिक अंडरस्कोर अज्जू। ओके। इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा रीटेक कौन से सीन में लगे, ये पूछ रहे। सबसे ज़्यादा रीटेक्स हर सीन में लगे, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, मनीष शर्मा, वो बहुत ही डिफिकल्ट हैं प्लीज करने को। मीन आई यू कांट प्लीज हिम, वो उनका कभी भी आपको एक टेक में वो खुश नहीं होंगे। जब भी मैं एक टेक, मुझे लगता था कि अच्छा पहले टेक में मैंने अच्छा काम किया है, मनीष वुड गेट अप एंड से ओके इमरान इज गुड, लेकिन हम इस तरह ट्राई करते हैं, इस तरह ट्राई करते हैं। तो हर सीन में, हर शॉट में मनीष ने मुझे मल्टीपल वेरिएशंस ट्राई करने को कहा, विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक एज अ डायरेक्टर बहुत ज़रूरी है कि वो अपने एक्टर को पुश करें, बिकॉज यू डोंट रियली नो वॉट यू आर केपेबल ऑफ, यू डोंट हैव द डायरेक्टर पुश यू टू द एज। ऐसा नहीं था कि वो पहले शॉट से नाखुश थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनको एक अलग वेरिएशन मिले। तो बहुत बहुत रीटेक्स दिए हमने इसमें टू एंड अल्टीमेटली फाउंड द कैरेक्टर थ्रू दैट। आपका फेवरेट सीन कौन सा है? उसकी जो ओरिजिन स्टोरी है आतिश की, वो सीन्स आई थिंक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे साइन करते वक्त, कि यार इसमें एटलीस्ट उसकी आइडियोलॉजी दिख रही है और किस तरह, क्यों वो बनता है। वो पहले ऐसा नहीं था। एक हादसा होता है उसकी लाइफ में और वो इस तरह बन जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी मुझे, मेरे पास कुछ नहीं है, आई एम नथिंग टू लिव फॉर, और ही वॉन्ट्स ब्लड। वो इन दोनों को गिराना चाहता है बिकॉज ऑफ दैट। तो वो एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था। दूसरा सीन जब वो वेलकम टू पाकिस्तान, जो एक पहला तो एक है, दूसरा है, लेकिन ये एक प्रॉपर वर्बल कन्फ्रंटेशन जो दोनों के बीच है, वो ऑल्सो वॉज द फर्स्ट सीन आई शॉट फॉर द फिल्म विद सलमान। दैट वॉज द फर्स्ट सीन, नॉट जस्ट विद सलमान, फॉर द फिल्म। तो इसलिए मेरे लिए वो एक स्पेशल सीन था। ओके। सेकंड कमेंट, इनका नाम एक्चुअली, ये बहुत लोगों के ये सवाल थे तो मैंने नाम नहीं रखा है इसमें, बट बहुत लोग ये पूछ रहे हैं, आवारा पंथ का सीक्वल, जन्नत 3, राजा नटवरलाल 2, मर्डर 4, लिस्ट इज गोइंग ऑन। आई कीप गेटिंग दिस ऑन सोशल मीडिया। क्या ना कि मैं एक्चुअली आई वुड लव टू डू आवारा पंथ सीक्वल, वुड लव टू डू जन्नत सीक्वल, लेकिन क्या है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ बींग मेकिंग अ सीक्वल, मैं नहीं चाहता हूँ कि अच्छा जस्ट सीक्वल के नाम पर मैं, हम एक फिल्म बनाए और फिर फाइनली यू नो, वो
ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरे। तो मैं चाहता हूँ कि एक यू नो पहले एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले। अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड दैट परफेक्ट स्क्रिप्ट। जब मिलेगी इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली दोनों फिल्में करना चाहूँगा बिकॉज दे आर बोथ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड ऑल्सो वंडरफुल कैरेक्टर्स। कैरेक्टर ऑफ जन्नत एंड ऑल्सो द कैरेक्टर ऑफ आवर अपन। मेरा पर्सनल फेवरेट मर्डर सीरीज है मर्डर 2। उनसे कहना आपके जो फैंस है उनको आपका काम बहुत पसंद आया, बस आपके सॉन्ग्स मिस किए सबने। हाँ एक्चुअली प्रीतम और मैंने भी यही बात की कि यार मुझे लगा कि वो कह रहा था कि मैंने मनीष और आदि को कहा भी था कि इसमें गाना ऐड करता है, इसलिए प्रीतम वो कैसे गाएगा गाना इसमें आतिश। उसकी शक्ल देखी एक तो ऐसे लगता है कि वो बुढ़ा है और वो कैसे गाएगा गाना। नहीं वो फ्लैशबैक में रखना चाहिए था एक्चुअली, दैट वॉज अ गुड आइडिया। बट अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म में भी एक ही रोमांटिक गाना है तो इतना स्कोप नहीं था गानों का। इट्स मोर थ्रिलिंग एक्शन एंड स्पाई एस्पिनाज फिल्म, तो बेटर नेक्स्ट टाइम। प्रीतम मेरा एक बहुत ही फैंटास्टिक एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ऑफ म्यूजिक एल्बम्स ऑफ चार्ट बस्टर ट्रैक्स एंड ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट एंड आई डोंट वॉन्ट टेक क्रेडिट फॉर दिस, इट्स ऑल प्रीतम्स हार्ड वर्क, बट वट फैबुलस सॉन्ग्स। Fantastic. I hope कि हमें बहुत ही जल्द एक सॉन्ग मिले। Yeah, इंशाल्लाह। लास्ट कॉमेंट, इनका नाम है ऋषभ, इन्होंने पूछा है कि आप अब सीक्वल्स में काम कर रहे हो टाइगर, मर्डर किस के सीक्वल कब आने वाला? मर्डर का कब सीक्वल? मर्डर के किसका सीक्वल कब आने वाला? यार मुझे उस वजह से नहीं रखना है सीक्वल, जब अच्छी कहानी होगी स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो हम करेंगे। अब जब मूवी रिलीज हो रही थी जी आप फैन थियरीज पढ़ रहे थे जो भी टाइगर के थे? हाँ वो एक आया था कि वो ही इज टाइगर्स फादर, क्योंकि वो उनका एक कनेक्ट था विद द सरनेम रहमान। आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग कि ऑडियंस इतनी अटेंटिव है कि उन्होंने वो पुल अप किया। मुझे लगा कि इज दिस समथिंग दैट आई डोंट नो अबाउट द फिल्म, बट अल्टीमेटली वो वही था कि इट वॉज नॉट एक्चुअली अ कनेक्ट। ऑडियंस को ऐसा लगा था बिकॉज द सरनेम्स ऑफ द सेम। मेरा फेवरेट थियरी ये है कि जूनियर एनटीआर आपके भाई है जो अभी वॉर 2 में आपका बदला लेंगे। यू नेवर नो, यू नेवर नो, वो शायद इन्फ्यूज कर दे आपको, शायद वो वॉर में दिख जाए, कुछ तो थियरी है, हो सकता है। आई नेवर रूल आउट एनीथिंग इन स्पाई यूनिवर्स। आई पर्सनली फील कि अभी अब जिंदा हो, मरे नहीं हो, मुझे लग रहा है। कुड बी। बट इमरान आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो, वन लेसन यू हैव लर्न इन दिस इंडस्ट्री दैट हैज चेंज्ड यू एज एन एक्टर एज अ पर्सन? आई थिंक इट्स यू नो इट जस्ट इज बी रेजिलिएंट हियर, वही एक सीख मिलती है आपको, क्योंकि आपको हर फ्राइडे के बाद जो यहाँ पे इंडस्ट्री में अगर आप किसी भी एक्टर से बात करें या किसी भी डायरेक्टर या क्रिएटिव प्रोड्यूसर से भी, यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है किस तरह एक फिल्म या तो चलेगी या किस तरह ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी। बस आपको बस मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी चाहिए आपको, एक शिद्दत से काम करने की आप रखिए, वो एक डिसिप्लिन रखिए। फाइनली जनता आपकी फिल्म को या तो सराहेगी या डिसमिस कर देगी, बट either way don't get swayed by success or by failure. wahi ek seekh mili hai ki don't start floating too much after success, don't get too demotivated by failure, kyunki this is all part and parcel, it's not defining you as that. wo ek film hai, bahut sare variables hote hain ek film mein, so just keep working, keep rolling with the punches aur you will stay here for the long run. As a person you think a lot ki you are like go with the flow? I do think a lot from time to time. I'm also a kind of person who goes with the flow. You have to think, क्योंकि आप यहाँ पर एक जो होता है एक strategic चीज़ें भी होती हैं. You can't get into projects बिना सोचे, समझे? Yeah. तो thinking भी है भी थोड़ा बहुत, कभी कभी दिमाग को थोड़ा switch off भी करना पड़ता है when it gets too much. Yeah. It's a bit of both. The first film with YRF. Yes. ये कैसे हुआ ये journey? ये अनएक्सपेक्टेड था। मेरी एज एन एक्टर हमेशा से चाह रही है कि मैं YRF के साथ काम करूं, बिकॉज ऑफ कोर्स द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस इन द कंट्री और जिस किस्म की फिल्में बनाते हैं, यू नो आपको पता है एज एन एक्टर जब आप एक YRF की फिल्म कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन में, राइटिंग में, जिस तरह मार्केट भी करते हैं, हर चीज़ में, लुक में, इट्स गोइंग टू बी ए ग्रेड। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले मौका नहीं मिला, बट बेटर लेट देन नेवर। तो बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा, यू नो जब टाइगर 3 का अनाउंसमेंट हुआ था और मैं फॉलो कर रहा था, जब पता चला कि आप ये फिल्म कर रहे हो जी,
एंड यू आर पुटिंग वीडियोस ट्रांसफॉर्मेशन के, तो मुझे लगा यू नो स्टार्ट टू एंड प्रॉपर एक रॉ फाइट होने वाले हैं। मैं जब आपका ये टीजर आया और ट्रेलर आया आपको थोड़ा एक ओल्ड लुक देखा तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने साइन भी की थी तो हमारा पूरा प्लान मार्केटिंग का यही था कि हम ज़्यादा रिवील नहीं करें कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो ऑलमोस्ट फिल्म में भी कम्स आउट द शैडोज, और हम चाहते थे कि प्रोमो में भी अनएक्सपेक्टेड सा एक उसका एंट्री हो, वॉइस ओवर से लेके फिर फाइनली दिखता है। सो आई थिंक दैट रियली वर्क, क्योंकि एक बिग सरप्राइज एंगल था उस ट्रेलर में। सो आई थिंक दैट वर्क इन अ बिग वे। आपकी ये लुक टेस्ट की क्या कहानी है? मतलब बहुत सारे लुक ट्राई किए, बहुत सारे लुक टेस्ट किए हमने, बहुत सारे ट्रायल्स किए, फोटोशूट्स किए, एंड क्योंकि सिर्फ एक लुक नहीं है, मल्टीपल लुक्स हैं और आप उसको इन फेजेस में देखते हैं थ्रू हिज लाइफ, तो वो उसको लॉक करना एंड फाइनली जो प्रेजेंट डे आतिश किस तरह दिखेगा उसके लिए, तो पहले एक्चुअली ऐसा नहीं था, इट वॉज नॉट सॉल्ट एंड पेपर, बट फाइनली हमें लगा कि यार ये अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे लिए, मेरे फैंस के लिए भी या जिन लोगों ने मुझे देखा भी है वो एक अनयूजुअल लुक नहीं होगा। तो हम चाहते थे कि कुछ नयापन हो इसमें, लोगों को कुछ नया दिखने को मिले और आतिश के कैरेक्टर के साथ भी कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई हो। जाने से पहले आपके जो फैंस ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एनी मैसेज फॉर देम? यही कि टाइगर 3 चल रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में और चाहता हूँ कि आप सब जाके देखें। इट्स अभी खुद की तारीफ तो मैं नहीं करना चाहता हूँ अभी, बट यू गोना एंजॉय द फिल्म, एक्शन सेट पीसेस, वंडरफुल स्टोरी, ड्रामा, एंड या इट्स अ फिल्म यू शुडंट मिस, टाइगर 3।